मॉर्निंग बच्चों, देखो आगे हमने कंपैरिजन सीखा है तो ये भी हम कंपैरिजन का एक पार्ट करेंगे। अभी हम वही करेंगे कंपैरिजन, ओके, जो कंपेयर करते हैं ये छोटा है, बड़ा है, लंबा है, ये सब जो हम करते हैं, ब्लैक एंड वाइट, टॉल एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है, ये जो हम करते हैं, हैवी लाइट, ये सब को हम बोलते हैं कंपैरिजन, ओके। तो हम इस आपको क्या करना है, यही मेरी तरह ड्रॉ करना है, जो हमने आगे भी किया ऐसे ही आपको करना है और मुझे आंसर देने हैं, ओके। चलो सब डेट डालो पहले, फिर लिखोगे सी डब्ल्यू और फिर हम ये करेंगे, ओके, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालोगे कंपैरिजन्स, एस एन, सॉरी कंपैरिजन, ओके, ठीक है। चल अभी क्या करोगे, ये मैंने पेंसिल्स ड्रॉ की है, ओके, तो आपको भी इस तरह से 3 पेंसिल्स ड्रॉ करनी है, ओके। आप पहले ड्रॉ कर लो, बाद में मैं आपको क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। चलो मैं इसीलिए बहुत ही इजी ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप अपने आप खुद से ड्रॉ कर सको, ओके। आपको भी तो ड्राइंग करनी पड़ेगी, आपको भी तो आनी चाहिए, ओके। तो चलो आप लोगों ने कर लिया, 3 पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करनी है। अब मेरा क्वेश्चन है, विच पेंसिल इज शॉर्टेस्ट एंड विच इज लॉन्गेस्ट, ओके। 3 में से आपको बतानी है विच वन इज शॉर्टेस्ट और विच वन इज लॉन्गेस्ट। शॉर्ट यानी छोटी और लॉन्ग यानी बड़ी, ओके। इन तीनों की कंपैरिजन में आपको बताना है सबसे शॉर्ट कौन है, तो उसको बोलेंगे हम शॉर्टेस्ट। तो आपको क्या करना है, इसको सर्कल करना है, ओके। अगर आपके पास अलग पेंसिल है, पेंसिल कलर है, तो आप उससे इसको कलर भी कर सकते हो कि ये शॉर्टेस्ट है तो ये मैंने रेड कलर की बनाई या ये मैंने ग्रीन कलर की बनाई, ओके। और दूसरा क्वेश्चन था विच वन इज लॉन्गेस्ट, यस विच वन इज लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी। सो आप लोग इसको भी ऐसे सर्कल बना सकते हो या इसको ऐसे स्क्वायर बना सकते हो, ओके, या आप ऐसे राइट मार्क बनाओगे तो भी क्या होगा कि दोनों का राइट मार्क हो जाएगा। तो एक को राइट बनाओ, दूसरे को क्रॉस बनाओ या सर्कल बनाओ, कुछ भी करोगे, बट आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन किया था कि विच वन इज शॉर्टेस्ट और विच वन इज लॉन्गेस्ट, ओके। चलो क्या सब दें, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे, पर आपको याद करना है कि ये शॉर्टेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट है। चलो नेक्स्ट, ये नंबर 2 पे है, ये मैंने स्केल बनाई है यहाँ पर, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया है कि उसका मार्किंग है, हमारा जो मेजरमेंट है उसके मार्किंग है, इसलिए आपको पता चले कि ये हमारे स्केल है। और ये मैंने बनाया है आप लोगों का कंपास बॉक्स, जिसमें एक पेंसिल है, इरेजर है, एक शार्पनर है, ओके। तो आपको भी ऐसे ड्रॉ करना है, इजी ड्राइंग है ना, कर लो, चलो जल्दी से फटाफट से ड्राइंग कर लो।
अब क्या करोगे, स्केल को तो ऐसे स्केल रखती और ड्रॉ कर दिया पूरी, ठीक है, ऐसे ही ड्राइंग करोगे। और इसको आप ऐसे रेक्टेंगल बना के इसको ड्रॉ करो। चलो हो गया सबका। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हिच इज लाइटर। लाइटर यानी इन दोनों में से लाइट कौन सा है। ओके अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम एक हैंड में इस स्केल को रखेंगे, दूसरे में कंपास बॉक्स रखेंगे, हमको कौन सा लाइट रहेगा। लाइट यानी हल्का। दोनों में से अगर इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और वैसे भी ये अगर खाली भी है पर कंपास बॉक्स हैवी है और ये बिल्कुल लाइट रहेगी, तो आप लोग यहाँ पर टिक भी कर सकते हो, सर्कल भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। पर मेरा क्वेश्चन क्या था, विच वन इज लाइट। ओके लाइट भी चलेगा, लाइटर भी बोल सकते हो, लाइटेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने इसको लाइट और हैवी उसका कंपैरिजन करवाया आपको, ठीक है, ये हैवी और ये लाइट। चलो हो गया यहाँ तक सबका। चलो अब नेक्स्ट पे जाएंगे। यस, नेक्स्ट पे मैंने दो कैंडल्स बनाई है, दिख रही है आपको। चलो आपको भी ऐसे ही दो कैंडल्स बनानी है। कैंडल्स भी आपके लिए इजी ही है, ठीक है। सो यहाँ मेरा क्वेश्चन है, विच इज लॉन्गेस्ट, विच इज लॉन्गर। ओके इसमें हमें एक शॉर्ट और एक लॉन्ग का कंपैरिजन किया है, तो दोनों की कंपैरिजन में कौन सी लॉन्ग है। यस, ये वाली लॉन्ग है, तो हम इसको बनाएंगे राइट मार्क। ओके दिस वन इज लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। तो ये हुई हमारी कंपैरिजन यहाँ पर। यस, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, तीनों की कंपैरिजन में कौन सी लॉन्गेस्ट और कौन सी शॉर्टेस्ट। ओके दिस वन इज शॉर्टेस्ट, दिस वन इज लॉन्गेस्ट, दिस वन इज लाइटर एंड दिस वन इज ऑल्सो लॉन्ग। ओके आए सबको समझ में, ठीक है, आए सबको समझ में ना। ओके अभी किसी को भी कंपैरिजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ओके ये ऐसे ड्राइंग है जो आप भी ऐसे कर सकते हो, अच्छे से ड्राइंग करोगे और उसको टिक मार्क बनाओगे, ठीक है, आए सबको समझ में। ओके